हाँ जी दोस्तों, आज दी कहानी अपनी लुकमन हकीम बारे है, जो हर गल नूं इह कह के टाल दिंदा सी कि जो परमात्मा करदा है ओहो अच्छा ही करदा है। एक वारी ओहो रेगिस्तान इलाके दे विचों किते जाण लई जा रहे हुंदे हन कि अचानक तूफान आ जांदा है ते ओहो रस्ता भटक जांदे हन, जिस करके बहुत मुश्किल दे नाल उहनां नूं रस्ता लभदा है ते काफ़ी देरी हो जाती है। फिर ओहो हौली हौली तुरदे हन ते अपने रस्ते वल वधदे चले जाते हन ते अचानक ही जो उन्हां दा घोड़ा हुंदा है उसकी लत टुट जाती है ते ओहो हकीम उसकी चाल जो है होर मठी हो जाती है ते उसका जो बेटा हुंदा है उसनू कहिंदा है कि ये तो बहुत वड्डा नुकसान हो गया। पर लुकमन हकीम जी कहते हैं कोई गल नहीं, परमात्मा जो करता है ओहो अच्छा ही करता है। फिर उस तो बाद इन्नी देर तो बाद ओहो उस पिंड दे विच पहुँचते हैं ते फिर की हुंदा है, उत्थे सारा पिंड उजड़िया हुंदा है ते उत्थे उन्हां नूं एक व्यक्ति मिलता है जो कि यह कहता है कि तुसी वधिया हो गया जो पहला नहीं आए, नहीं तो इत्थों सुल्ताना डाकू निकलिया सी जिसने सारा कुछ उजाड़ दिता अते नेस्तो नबूत कर दिता, वधिया कीता तुसी पहला नहीं आए। ते फिर हुक्मन जो हकीम हुंदा है ओहो अपने बेटे नूं कहिंदा है, देखिया बेटा जे आपां पहला आ जांदे तां आपां भी उसदे शिकार हो जाणा सीगा ते आपां भी मर जाणा सी। ते ये कहानी तुहानू सुनाउण दा मतलब यही है कि जिंदगी दे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम आंदियां हन, परमात्मा जो करदा है ओहो चंगा ही करदा है। मेरे नाल भी बहुत समस्यावां आईयां पर मैं परमात्मा ते विश्वास रखिया ते अज जिहड़ियां समस्यावां आईयां सन ओहो खत्म हो गईयां ते जीवन सुखाला चल पिया। इस करके तुसीं भी परमात्मा ते विश्वास करो। धन्यवाद।